नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी बूस्टर डोज प्रॉफिट एंड लॉस का धमाका ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको टोटल 6 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए ऐसे कठिन सवाल जो काफी समय एग्जाम में किल करते हैं आप चुटकी में बना सकते हैं मेरे बच्चों। और ऐसा सवाल हर एक सेट में आपको हर एक टाइप के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए मेरे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ते ही आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हाँ ये समय थोड़ा ज्यादा लेता है, थोड़ा गलती भी कराता है, थोड़ा मिस्टेक भी होता है। तो आज के बाद इसमें आपका मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए मेरे बच्चों, एक आदमी ने वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच देता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मेरे बच्चों ऐसे सवाल में कुछ मत करना। देखो मेरे भाई एकदम धांसू तरीका बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझना। देखिए सीपी और एसपी लिख लीजिए। वस्तु को खरीद कर 5% लाभ पर बेचा, तो मान लीजिए कि अगर 100 रुपया में खरीदा है तो 5% लाभ यानी 105 रुपए में बेचा होगा। कंडीशन अब दिया है, अब कंडीशन को फॉलो करिए। कहा गया हुआ इसे 5% कम में खरीदता, तो अगर 5% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 95 रुपए में खरीदता, और 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो अब मेरे बच्चों लाभ हम, अब तो हमारा नया क्रय मूल्य ये है तो इस पर ही ना हम लाभ निकालेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों 95 रुपए, इसका 10% लाभ यानी 110/100, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। इसे अगर मैं गुणा करूं, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 × 10 19 × 95 19 × 190 और 19 जोड़ दीजिए यानी हो गए 209 रुपए, अब बटे में 2 यानी हो जाएगा 104 रुपया 50 पैसा। इतना तो भाई कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों देखिए, पहले वो कमा रहा था 105 रुपए और अब उसको प्राप्त हो रहे हैं 104 रुपए 50 पैसे, तो कितना का अंतर हो गया मेरे बच्चों, तो देखिए 0.5। तो बस यहीं से आपका सवाल अब इजी हो गया कि 0.5% वो क्या है, कम पा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया गया है ना कि 1 रुपए कम में बेचता है, यानी कि 0.5% आपका बराबर होगा 1 रुपए का। तो क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% कितने के बराबर होगा, तो 1 × 100/0.5, 0.5 उड़ाइए 5 ले जाइए, 5 × 10 00 यानी कि 200 रुपए, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी 200 रुपए, माफ कीजिएगा 200 रुपए। तो देखिए मेरे भाई कितने कठिन सवाल को हमने बिना एक्स वाई माने बिल्कुल भरवली, अगर आप इसे थोड़ा अभ्यास कर ले मेरे बच्चों तो डायरेक्ट ये लाइन लिखना, अंतर निकालना, भरवली आप बना सकते हैं अगर इस मेथड को अच्छे से समझ जाए। आइए अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं भाई। तो देखिए मेरे बच्चों अब इस सवाल को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना। एक दुकानदार ने प्रेस खरीदकर 10% लाभ पर बेचा और यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 16.5 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो प्रेस का क्रय मूल्य कितना है। अब मेरे बच्चों सिंपल सी एक चीज है, आप इसे अच्छे से समझो कि देखो सवाल में कम और ज्यादा खरीद बिक्री वाला जब भी बोलेगा तो इसे हमेशा ऐसे ही बनाना कि 100 रुपए में खरीदा तो 10% लाभ पर बेचा यानी 110 रुपए में बेचा, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तो 100 से 10% कम यानी 90% यानी कितना हो जाएगा 90 रुपए में खरीदता तथा 16.5 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो यानी 90 पर ही ना 10% लाभ, तो 110/100 कर दिया, 00 कैंसिल यानी हो गए 99। अब देखो भाई मेरे सिंपल सी चीज है कि अब आप यहाँ ऐसे समझिए कि 110 रुपए पहले वो पा रहा था, अब 99 रुपया, तो देखिए कहा है ना 16.5 रुपए कम में बेचता, यानी कि यही जो प्रतिशत यानी कितनी कमी हो गई, 11% की जो कमी हो रही है वही बराबर होगा 16.5 रुपए जो उसे कम मिल रहा है। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 16.5 × 100/11, ये 0.5 को काट देगा, 11 × 1 = 11 और 11 × 5 = 55 और 0 यानी कितना हो गया 150 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 150 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये 3-4 जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसे अभ्यास कर लो, परीक्षा में इस टाइप का सवाल कभी जिंदगी में नहीं अटकेगा। देखिए कहा गया एक दुकानदार ने पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 60 रुपए, अब देखिए अधिक में बेच रहा, ध्यान देने वाली बात यहाँ है
कि यदि वह उसे 60 रुपए अधिक में, अभी तक कम में बेच रहा था मगर अब आ गया अधिक में, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है मेरे बच्चों, हमें लेना देना है बस ये प्रतिशत और ये इस प्रतिशत से, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, बस जो अंतर आएगा वो बराबर 60 के हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए सीपीएसपी लिख दो मेरे बच्चों, मान लो कि 100 रुपए में पुस्तक को खरीदा है, 10% लाभ पर बेचा तो 110 रुपए में बेचेगा, फिर 10% कम में खरीद रहा है तो 90 रुपए में खरीदेगा, और अब 25% लाभ कमा रहा है तो 90 गुना 125 बटा 100 कर दो मेरे भाई, सिंपल सी चीज है, 5 × 10 = 25, 5 × 10 हो गया, क्लियर है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 25 × 9 = 225 / 2 यहाँ हो जाएगा 112 रुपए 50 पैसे। अब मेरे बच्चों देखो अधिक पा रहा है कि नहीं, तो 110 पाता था, अब 112 रुपए 50 पैसे पा रहा है, तो अगर प्रतिशत में निकालें तो कितना ज्यादा पा रहा है मेरे बच्चों, तो देखो 2.5% वो ज्यादा हो रहा है। तो ये 2.5% किसके बराबर होगा मेरे बच्चों, 60 के बराबर होगा, आ रही है ना बात समझ में, 2.5% बराबर 60 रुपए हो जाएंगे। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य यानी 100% बराबर कितना होगा, तो 60 × 100 / 2.5, अभी एक जीरो यहां बढ़ा दो कटा दो, 25 × 6 = 100, 4 × 6 = 24 और ये जीरो। तो अब मेरे बच्चों तो देखिए मेरे बच्चों 25 × 6 = 100 ये जीरो हो गया, यानी 400 नहीं 6 × 6 = 24 00 यानी के 2400। तो देखिए मेरे बच्चों काफी आसानी से सॉल्व किया, आइए अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों उसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अब कोई भी कमी ना रहे। एक दुकानदार ने पुस्तक को खरीदकर 10% लाभ, तो मेरे बच्चों सीपीएसपी लिख दो, सीपी हो गया 100 तो लाभ हो गया 10%, तो एसपी हो गया 110 रुपए। यदि उसे 10% कम में खरीदता तो 90 हो जाता मेरे बच्चों, 2 रुपए कम में बेचता है तो कितना लाभ हो रहा है, 16.2/3 यानी 16 × 3 = 48 और 2 = 50/3, तो 90 का अगर 50/3% लाभ हो रहा है तो कितना लिखेंगे मेरे बच्चों, तो 100 में ऐड करते हैं ना, तो 100 + 50/3 अब बटे में 100 लिखते हैं ना, तो कितना हो गया 350/300 यानी 90 × 350/300 हो जाएगा, 00 कैंसिल, 3 बार में कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 105। तो मेरे बच्चों देखो 110 पा रहा था अब पा रहा है 105, तो कितना कम पा रहा है, अंतर कितना आ रहा है 5% का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5% बराबर है 2 रुपए के, आ गई बात समझ में। तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100% बराबर कितना, तो 2 × 100/5, 5 × 20, 5 × 10 = 20 × 40 यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 40 रुपए होगा, आई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, आई होप आपको मजा आया होगा। आइए अब मैं एक और टाइप पे जाता हूं जो चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन का छोटा भाई है, मैं इसे यही मानता हूं। देखिए एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% अधिक लाभ होता, तो कुकर का क्रय मूल्य बताइए। इसमें एक चीज की कमी है और वो कमी है ये नहीं बताया कि उसे 10 रुपए कम में खरीदा जाए या 10% कम में खरीदा जाए या 20% अधिक में खरीदा जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला है मेरे बच्चों। इसलिए एक चीज की कमी है इसलिए वो बड़ा भाई हो गया और ये छोटा भाई, तो क्वेश्चन को कोरिलेट करना सीखिए। तो अब कुछ नहीं करना मेरे बच्चों ऐसे सवाल में, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर पहला भी लाभ रहे दूसरा भी लाभ रहे या पहला भी हानि रहे और दूसरा भी हानि रहे यानी सेम सेम रहेगा, तो आपको दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है, क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। और अगर मेरे बच्चों एक लाभ रहे और एक हानि रहे तो हमेशा इसे प्लस कर देना है, याद रखिएगा बस यही ट्रिक है, इसे पॉजिटिव में लाना है, और लाभ और लाभ रहे तो माइनस कर दो, हानि हानि रहे तो माइनस कर दो, लाभ और हानि रहे तो उसे जोड़ दो, सिंपल सी चीज है। अब देखो इसी ट्रिक से मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। देखो 16% लाभ दिया है या 20% लाभ दिया है तो कुछ मत करो, 16 में से 20 घटा दो कितना हो गया 4%, यही 4% बराबर होगा आपका 20 रुपए का, तो इसलिए 100% बराबर कितना होगा, तो 20 × 100/4, 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5, 00 यानी 500 रुपए यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे बच्चों, 500 रुपए, आ गया ना मजा। समझिएगा पिछले क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको एक चीज की कमी मिलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि उस वस्तु को अगर मैं उस वस्तु को 10% कम में खरीदता या 5% कम में खरीदता, ये चीज मिसिंग है, तो ये उसका छोटा भाई हो गया, आ गई बात समझ में। आओ अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, उसे अच्छे से समझ लो।
अब देखिए दोस्तों, वैसा ही क्वेश्चन मगर उसमें एक चीज ऐड कर दिया गया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक दुकानदार एक कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। यहां तक तो पिछले वाले ही क्वेश्चन के जैसा है मेरे बच्चों, मगर एक चीज नया ऐड कर दिया कि 12.5% लाभ कमाने के लिए कुर्सी को उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों इस लाइन को छोड़ दो और इसे यहां तक ही पढ़ो तो देखो पिछले वाला क्वेश्चन है, यानी सीपी आपको निकालना अनिवार्य है। तो मेरे बच्चों देखो, यहां दिया है 2.5% हानि, यहां दिया है 7.5% का लाभ, यानी लाभ और हानि अलग अलग है ना, तो हम इसे क्या करेंगे मेरे बच्चों, जोड़ देंगे। तो 7.5 और 2.5 कितना होता है मेरे बच्चों, 10 होता है। तो मैं कह सकता हूं 10% बराबर होगा इसी 100 रुपए के, इसलिए 100% बराबर होगा कितने का, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, 1000 रुपए आ गया ना हमारा बच्चों। तो 1000 रुपए उस वस्तु का क्या हो गया, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो जब सीपी 1000 रुपए हो गया तो 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे ये नहीं निकाल सकते मेरे बच्चों। तो देखिए कितने में बेचेंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी इंटू 12.5 को कितना लिखेंगे दोस्तों, 12 दुनी 24 और 25/200 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 225/200। आई बात समझ में, 100 में ऐड करके लिखते हैं तो अब देखिए यहाँ 0 0 कट गया, 2 से गए 5, 5 से गुणा कर दो 25, 5 दुनी 10 2 12, 5 दुनी 10 और 1 11, यानी 1125 रुपए में आपको उस कुर्सी को बेचना होगा, तब जाके आपको 12.5% का लाभ होगा। तो मेरे बच्चों देखिए, पूरा फुल वीडियो से अच्छा है कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो निश्चित रूप से आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो छोटा वीडियो भी है, 10-12 मिनट का, 5-6 क्वेश्चन कर लो और परीक्षा में 1 अंक पक्का हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे बच्चों। इसलिए ये धमाका ट्रिक बूस्टर डोज लेकर आया हूं, तो इसे पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।